दोस्तों वेलकम बैक टू द चैनल द रेल यात्री। आज के इस वीडियो में रेलवे सितंबर के महीने में कुछ और नई ट्रेनों को शुरू कर रहा है, जिन ट्रेनों में आप अगले दो महीने तक यात्रा कर पाओगे। ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी, कौन कौन सी ट्रेन शुरू होने वाली है, टाइमिंग क्या होगा, ट्रेन का नाम नंबर क्या होगा, इस प्रकार की सारी जानकारी आज आप इसी वीडियो में देखेंगे। अगर आप द रेल यात्री चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के बाद वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दोस्तों भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू की जा रही नई ट्रेनों के नाम और नंबर कुछ इस प्रकार हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन विशाखापट्टनम स्पेशल, ट्रेन का नंबर रहेगा 08587। ये ट्रेन सितंबर में हर गुरुवार वाले दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से शाम को 7:10 पर चला करेगी और 25 घंटे 20 मिनट की यात्रा के बाद विशाखापट्टनम रात में 8:30 पर पहुंचेगी। ट्रेन में जनरल, स्लीपर, थर्ड एसी और सेकंड एसी क्लास में आप यात्रा कर पाओगे। अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 04081, नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल। ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन हर गुरुवार वाले दिन नई दिल्ली से रात में 11:15 पर चला करेगी। 12 घंटे 10 मिनट की यात्रा के बाद श्री माता वैष्णो देवी कटरा, ये ट्रेन दिन में 11:25 पर पहुंचेगी। 10 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा और इस ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी के साथ साथ जनरल क्लास के कोचेस भी लगे हुए रहेंगे। अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 08588 विशाखापट्टनम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्पेशल। ये ट्रेन विशाखापट्टनम से हर बुधवार वाले दिन दोपहर में 12:30 पर चला करेगी। 25 घंटे की यात्रा के बाद ये ट्रेन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन दिन में 1:30 पर पहुंचेगी। 24 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा। स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी के कोचेस लगाए जा रहे हैं और साथ में जनरल क्लास के कोचेस भी इस ट्रेन में रहेंगे। अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 04082 श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली स्पेशल। ये ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा से हर रविवार वाले दिन शाम को 6:30 पर चला करेगी। 12 घंटे 20 मिनट की यात्रा के बाद नई दिल्ली सुबह 6:50 पर पहुंचेगी। 10 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा। ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी क्लास के कोचेस लगे हुए रहेंगे। अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 04072 श्री माता वैष्णो देवी कटरा नई दिल्ली गति शक्ति एक्सप्रेस। इस ट्रेन में केवल थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास के कोचेस लगाए जा रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से ये ट्रेन हर शनिवार वाले दिन शाम को 6:30 पर चला करेगी। नई दिल्ली ये ट्रेन सुबह 6:50 पर पहुंचेगी। 12 घंटे 20 मिनट का ट्रैवल टाइम दिया गया है और 10 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा। दोस्तों अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 09418 पटना अहमदाबाद स्पेशल। ये ट्रेन हर गुरुवार वाले दिन पटना से रात में 11:45 पर चला करेगी और अहमदाबाद 35 घंटे 35 मिनट की यात्रा के बाद दिन में 11:20 पर पहुंचेगी। 21 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा। स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी में आप लोग यात्रा कर पाओगे। लिस्ट की अगली ट्रेन है ट्रेन नंबर 04071 नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा गति शक्ति एसी एक्सप्रेस। ये ट्रेन हर बुधवार वाले दिन नई दिल्ली से रात में 11:15 पर चला करेगी। 12 घंटे 10 मिनट की यात्रा के बाद ये ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा दिन में 11:25 पर पहुंचेगी और 10 स्टेशनों पर इस ट्रेन को रोका जाएगा। ट्रेन में केवल थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास के कोचेज हैं, जिसमें आप लोग अभी से अपने टिकट बुक कर सकते हो। दोस्तों ये थी उन सभी ट्रेनों की जानकारी जिन ट्रेनों को हाल ही में भारतीय रेलवे शुरू करने वाला है। अगर आप इन ट्रेनों में यात्रा करना चाहते हैं अभी से अपने टिकट बुक कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नए वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द रेल यात्री चैनल एंड कीप सपोर्टिंग।